से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर पिछले 2 से 3 दिनों में कई ऐसे बड़े फैसले हुए हैं, क्योंकि वहां पर राज्यपाल मुर्मू के इस्तीफे के बाद यानी उनके बदले जाने के बाद मनोज सिन्हा ने सामी है वहां की कमान, और जैसे उन्होंने कमान संभाली है उसके बाद एक से बढ़कर एक फैसले लिए जा रहे हैं। और उन फैसलों की फहलिस्ट में आज का एक फैसला है जो बहुत बड़ा फैसला है। आज का ये फैसला आप जब सुनेंगे तो सबसे ज्यादा अगर आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं यानी टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं तो आपकी लगने वाली है, आप कन्हैया कुमार गैंग के हैं तो आपकी ठुकने वाली है, क्योंकि साहब ये इन लोगों के ऊपर एक तरह से ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं कार्रवाई मानी जा रही है। और आर्टिकल 370 के विरोध में जो लोग खड़े हुए थे और कश्मीर में कश्मीरियत की जो बात करते हैं उस कश्मीरियत की बात को अब खत्म कर दिया गया है और हिंदुस्तान की बात वहां पर होगी। तो चलिए क्या कुछ हुआ है आपको बताऊंगा, और कैसे पाकिस्तान और आतंकवाद की कमर तोड़ दिया है मनोज सिन्हा ने महज 2 दिनों में, क्या एक के बाद एक फैसले लिए हैं वो आपके सामने है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला जो आज उन्होंने अभी अभी लिया है, चलिए ले चलता खबर की तरफ। अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आज आपको कमेंट बॉक्स में जो देश में 370 खत्म होने के बाद मोदी सरकार ने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं उसमें जनता का साथ बहुत रहा है, और उस जनता के साथ के नाते आप सभी मोदी के इन फैसलों को कैसे देखते हैं इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जम्मू और कश्मीर के लोगों की पहचान, भाषा और जमीन की रक्षा के लिए बड़े कदम उठा लिए गए, कानून में बदलाव के लिए संसद की अनुमति ली जाएगी। एक वकील, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए डोमिसाइल पॉलिसी बनाई जा रही है, और सूत्रों के मुताबिक 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करने की कवायद हुई थी उसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। एक अधिकारी ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि अगर कोई चीज हटी है तो वो कश्मीर का खास दर्जा, जो उसकी वजह से लोग आबादी की रक्षा के लिए कुछ तो होना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी बात इसमें कहा, उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते देरी हुई, और अधिकारी के मुताबिक कश्मीरियों की पहचान, भाषा, उनकी जमीन की रक्षा के लिए कदम उठाए जाने वाले हैं। उसने भी कहा कि उसकी पहचान वगैरह की रक्षा के लिए आर्टिकल 370 या किसी ऐसे प्रतिबंध को जरूरी नहीं है, आपने जम्मू कश्मीर डोमिसाइल नियम देखे हैं यानी लोकल्स के लिए नौकरियां और भी कदम उठाए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रस्तावित बदलाव से पहले ही होते ही मगर कोविड के संकट के चलते देरी हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर अब कश्मीरी और कश्मीरियत की बात करने वालों के लिए हिंदी होगी कश्मीर की आधिकारिक भाषा। जहां साहब हिंदी अब कश्मीर की आधिकारिक भाषा होगी, उर्दू को फ्लैश कर दिया गया है यानी कि फ्लैश कर दिया गया है। भाषा में एक बड़ा मामला जिसके जवाब में तलाश में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी के अतिरिक्त क्या होगी, हिंदी या उर्दू। जम्मू कश्मीर के संविधान में अंग्रेजी और उर्दू की आधिकारिक भाषाएं थी, लेकिन जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट की धारा 47 के अनुसार विधायिका की एक भाषा हिंदी आधिकारिक भाषा के रूप में अब अपनाई जाएगी। या साहब हिंदी 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 हिंदुस्तान, और यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर पाकिस्तान को झटका है, क्योंकि उर्दू पाकिस्तान की भाषा है और अब तक कश्मीर की भाषा भी उर्दू ही थी, और अब आधिकारिक भाषा हिंदी हो जाएगी। ये साफ तौर पर हिंदी आधिकारिक भाषा हो जाएगी, खास तौर पर जम्मू में जो गैर उर्दू भाषी क्षेत्र हैं उन्हें उर्दू के क्षेत्रीय को संरक्षण दिया जाता है, क्षेत्रीय भाषा के रूप में संरक्षण दिया जाता है। और बता दूं आपको ये एक अहम फैसला है, और दूसरी चीजें कई एक के बाद एक है, लेकिन इन सबके बीच एक चीज और कही जा रही है कि वहां पर लोकल लोगों की नागरिकता का अधिकार भी बना रहे, ताकि वहां के लोग बाहर से आकर के आप कोई ज्यादा वहां पर प्रॉपर्टी इस तरह से ना करें। जैसे आप उत्तराखंड जाते हैं तो कोई बाहरी व्यक्ति वहां पर 200 गज से यानी लगभग
2000 स्क्वायर फीट के आसपास की जमीन से ज्यादा वहां पर नहीं खरीद सकता है। कुछ इस प्रकार का प्रावधान भी कश्मीर में बनाया जा सकता है। हाँ, अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस के पर्पस से जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको वो इंडस्ट्रियल जमीनें और इंडस्ट्रियल जो लैंड है उसके लिए आपको एक्विजिशन ज्यादा मिल जाए। लेकिन अगर आप एक कोई नॉर्मल पर्सन जाता है तो उसके लिए कुछ इस प्रकार के लिमिटेशन होगी। सूत्रों के माने की भूमि की रक्षा के लिए कानून बनाए जा रहे हैं और एक सरकारी अधिकारी ने कहा ऐसे इंतजाम जरूर होंगे ताकि कश्मीर के लोगों को यह भरोसा दिलाया जाए कि उनकी जमीन बाहरी नहीं छीन पाएगा। इसके लिए कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने के डर को भी करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज है वो कश्मीर की आधिकारिक भाषा को लेकर है, जो अब तक वहां पर संविधान जो उनका अलग होता था उसमें अंग्रेजी या उर्दू। आप एक बात समझिएगा थोड़ा सा, जो लोग संविधान बना रहे थे, जो लोग उस समय बात हो रही थी, तो अंग्रेज जब देश की राष्ट्र की भाषा हिंदी है तो ऐसे में क्या जरूरत आन पड़ी थी कि वहां की भाषा अंग्रेजी और उर्दू की गई? हिंदू को दरकिनार क्यों किया गया? सब साजिश के तहत चल रहा। इन साजिश में आपको बता दूं हमारे 70 साल में जो सत्ता का भोग किए हुए हैं उन लोगों ने सत्ता के लालच में और देश को कहीं ना कहीं ऐसे चीजों से गिरवी पर रखा हुआ और एक गिरवी को कहीं ना कहीं जब तक हम दूसरों की उसमें फंसे हुए होंगे, दूसरों के हमारे गुरेबान तक हाथ पहुंचेंगे तब तक ये सब चीज जायज, तब तक ये सब चीज मुमकिन है। लेकिन जब हम दूसरों की हथकड़ियों को छोड़ेंगे, यानी कि जो शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है से लेकर के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन जब आने वाले 5 से 6 सालों में होगा तो देश का स्वरूप पूर्ण रूप से बदल पाएगा। अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत में हम अपनी भाषा पर भी आत्मनिर्भर हमें होना पड़ेगा। अगर हम दूसरी की भाषा पर आत्मनिर्भर होंगे तो देश का विकास कभी भी नहीं हो सकता है। देश का सतत विकास के लिए एक देश एक कानून एक भाषा और हर चीज एक होना चाहिए, तो तभी जाके देश का सतत विकास है। इसका सबसे अनूठा उदाहरण आप हमारे पड़ोसी देश चीन को देख लीजिए। चीन की जो वहाँ की लैंग्वेज है चीनी है, वहाँ के सॉफ्टवेयर है चीनी है, वहाँ की जो पढ़ाई होती है चीनी भाषा में पढ़ाई आती है, वहाँ के लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो चीनी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो आज मैंने कश्मीर के लिए बात की है वही चीज बता रहा हूँ कि ऐसे में क्या होता है कि हम अगर किसी भी देश में किसी भी कोने में जाते हैं तो हिंदुस्तान की बड़ी अजीब पैटर्न बना है कि अगर कोई नॉर्थ साइड का साउथ में जाता है तो वहां पर भाषा की प्रॉब्लम हो जाती है, एजुकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है कि वहां पे जो भाषा है वो पूर्ण रूप से बदली हुई होती है, वहां के सॉफ्टवेयर बदले हुए होते हैं। और रही बात अगर दिल्ली या कहीं की बात करें तो हम इंग्लिश पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं और बहुत सारे जो देश में गांव में लोग रहते हैं बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके पास टैलेंट तो होता है लेकिन इंग्लिश पर उनका फ्लुएंसी से लेकर के कुछ चीजों पर उनके हाथ तंग होते हैं। यूपीएससी के एग्जाम में आखिर इंग्लिश को इतनी वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि अंग्रेजी के लोगों का सिलेक्शन ज्यादा होता है, हिंदी का सिलेक्शन कम होता है, हिंदी की वरीयता कम दी जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है देश को पीछे इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर भाषा भी होनी चाहिए और जिस भाषा से हर कोई एक दूसरे से आसानी से यहाँ पर कम्युनिकेट कर सके। तो वीडियो खत्म करूंगा, अनुरोध करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बने रहो इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।